नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम और बड़ी खबर ये आ रही है कि कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था UNGA यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में, उसके बाद पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान की मजाक बनाना शुरू कर दिया है। द नेशन नाम के अखबार ने पाकिस्तान के एक कार्टून छापा जिसमें इमरान खान को गाड़ी में जुता हुआ दिखाया और उस गाड़ी में बैठे हैं इमरान खान के ऊपर जो सवार हैं एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस गाड़ी को चला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसमें मोदी जी के कंधे पर डोनाल्ड ट्रंप का दोस्ती का हाथ रखा हुआ है, जबकि एक चाबुक है जो कि इमरान खान के ऊपर है। सीधे तौर पर इसमें एक शब्द भी लिखा हुआ है कि मीडिएशन, और उस मीडिएशन के ऊपर चाबुक पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बाद में इस अखबार ने इस बात के लिए जब ज्यादा विरोध हुआ तो माफी मांग ली, लेकिन ये दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में इमरान खान की बेइज्जती हो रही है। इस अखबार का नाम है द नेशन। उसके बाद एक और कार्टून छपता है, वो छपता है द फ्राइडे टाइम्स में, जिसमें पाकिस्तान के जो बड़बोले मंत्री हैं उनको और इमरान खान की जो स्थिति है उसको दिखाया गया है कि इमरान खान को एक आठ सिर वाला व्यक्ति दिखाया है जिसके मंत्रियों के और सिर लगे हुए हैं और वो कुछ बोल रहे हैं और इमरान खान कुछ बोल रहा है। और ये फ्राइडे टाइम्स इसको छाप रहा है। निश्चित तौर पर ये भी बड़ा अखबार है पाकिस्तान का। उसके बाद एक और कार्टून की बात करते हैं जिसका नाम है डॉन न्यूज़। ये डॉन भी पाकिस्तान की उस स्थिति को दिखा रहा है कि उसने जब कश्मीर के मुद्दे पर तमाम मुस्लिम देशों से समर्थन मांगा था, उस मुद्दे पर मुस्लिम देशों ने किस तरीके से उसको समर्थन की देने की बजाय उसकी बात ही काट दी थी और उसको उल्टी नसीहत दे दी थी। निश्चित तौर पर इसके भी कई मायने पाकिस्तान में निकाले गए और इस तरीके के कार्टून से स्पष्ट होता है कि इमरान खान की वहाँ रोज़ रोज़ कैसी बेइज्जती होती है। और इसी एक बेइज्जती का नमूना है मीम जैसा बना हुआ और उसमें दूरबीन से इमरान खान देखने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से अगर आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो शायद नज़र आ जाए। और एक तरफ इमरान खान सीसा पर है और एक तरफ मोदी बैठे हुए हैं, इमरान खान एकदम ऊपर है और साफ दिख रहा है कि पीछे से मोदी के साथ ट्रंप भी नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरीके से अब इमरान खान की खिल्ली उड़ाने लगी है। उसकी वजह यह है कि कल भी जब इमरान खान ने UNGA में भाषण दिया था तो स्पष्ट तौर पर कई गलतियां की थी और एक सबसे बड़ी गलती की थी कि जब वो मोदी का नाम पहली बार लिया था तो इमरान खान ने मोदी को भारत का राष्ट्रपति बता दिया था। उसके बाद करीब एक डेढ़ मिनट बाद उसने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी, तो निश्चित तौर पर यह हड़बड़ाहट दिखाती है और मोदी का डर दिखाता है इमरान खान के प्रति। इमरान खान को मोदी का डर है जिसकी वजह से कल जब UNGA में भाषण दिया तो कई बार 7 से ज़्यादा बार मोदी का नाम लिया, भारत का नाम लिया, कश्मीर का नाम बहुत ज़्यादा बार लिया, उसके अलावा RSS का बार नाम कई बार लिया गया। तो निश्चित तौर पर ये जो पाकिस्तान के अंदर डर बैठा हुआ उसको दिखाता। और इसका सबसे अच्छा जवाब आज दिया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का काम अब कार्टून करेक्टरों को मसाला मुहैया कराना रह गया है और जहाँ तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो उलझुल भाषण दिए हैं वो उनकी असलियत को दिखाते हैं, लेकिन वो ये न समझे कि भारत इस बार पाकिस्तान को माफ़ कर देगा। अगर उन्होंने कोई गलती करने की कोशिश की तो इस बार इतना बड़ा झटका भारत पाकिस्तान को देगा कि पाकिस्तान नाम का जो देश है उसके जो नापाक हरकतें हैं वो दुनिया से सदा के लिए बंद हो जाएंगी। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा संदेश है। और उन्होंने साथ ही आज नौसेना को INS खंडेरी नाम की जो पनडुब्बी थी उसको आज नौसेना में शामिल किया गया, और ऐसा करते हुए उन्होंने कहा कि नौसेना का जो योगदान है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और भारत की नौसेना ने पाकिस्तान को कई बार उसके मुंह तोड़ जवाब देकर उसकी औकात दिखाई है और अब हमारी नौसेना और ज़्यादा मजबूत हो गई है। इसलिए पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं कि वो समंदर के रास्ते भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश कर सकता है, तो अब उसको समुंदर में भी बहुत ज़ोरदार हम जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान हमेशा के लिए याद रखेगा। UNGA में ही आज एक और बड़ी खबर आई कि चीन ने पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की। चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, उन्होंने कहने की कोशिश की कि जो जम्मू कश्मीर का रीजन है उसके अंदर कोई भी मामला एक तरफा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर जो आम सहमति से बात होनी चाहिए और दोनों पक्षों में बातचीत होनी चाहिए। और इसको लेकर भारत की
की तरफ से जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रवीश कुमार, उन्होंने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि चीन शायद भूल रहा है कि उसने भारत के हिस्से यानी कि पीओके के अंदर पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बहुत बड़ी गलती की है, जो कि हमारे क्षेत्र का अतिक्रमण है और 370 और 35 ए जो भी मामले हैं वो भारत के आंतरिक मामले हैं और भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसलिए दुनिया के किसी भी राष्ट्र को उसके इन मामले में बोलने की छूट हम नहीं देंगे और चीन को अपने दायरे में रहना चाहिए। चीन जो हमारे हिस्से में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है उसके लिए वो गलती कर रहा है और ये हमारे क्षेत्र का अतिक्रमण है। निश्चित तौर पर सीधे तौर पर भारत ने बता दिया है कि चीन अगर पाकिस्तान के पक्ष में बोलने की कोशिश करेगा, उसका पक्ष लेने की कोशिश करेगा, तो भारत भी चीन के साथ अपने रिश्तों को लेकर आगे सोच सकता है। आपको बता दें कि चीन का आज का जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादातर भारत के उस बाज़ार पर निर्भर है जिसकी दुहाई कल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी दे रहा था और बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आज दुनिया के सभी देश भारत के आगे चुप है क्योंकि उसके पास 130 करोड़ लोगों का बाजार है जिस बाजार के लिए सब के सब भारत की बात मानने को मजबूर है। चीन को भी ये याद रखना चाहिए कि भारत के पास जो बाजार है, अगर भारत ने अपना बाजार चीन के एक्सपोर्ट के लिए बंद कर दिया तो फिर वो पाकिस्तान जैसे कंगाल देश के साथ खुद भी कंगाल हो जाएगा और इसलिए उसको औकात में रहना चाहिए। निश्चित तौर पर यह सीधा संदेश दिया है रवीश कुमार ने। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक और देश है जिसने पाकिस्तान का समर्थन करने की कोशिश की और उसका नाम है तुर्की। तुर्की ने यूएन के मंच पर जिस तरीके से पाकिस्तान को समर्थन देने की भारी गलती कर दी है उसका भी एक बड़ा मतलब निकालने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान ने अपने भाषण के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाया और तुर्की ने ऐसा करके ये दिखा दिया कि वो एकमात्र मुस्लिम देश है जो पाकिस्तान का इस मुद्दे पर साथ देने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी तुर्की ने पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर एक तरीके से समर्थन देने की गलती की थी और इसका जवाब भारत के प्रधानमंत्री ने तत्कालीन तौर पर दे दिया है अपनी कूटनीति के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात के बाद आज सीधे तौर पर जो दो देश हैं तुर्की के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करते हुए ये संदेश दिया है कि अगर तुर्की ऐसा करेगा तो भारत फिर उसके खिलाफ अच्छी तरीके से निपटना भी जानता है। भारत के प्रधानमंत्री ने इसी कड़ी में आज साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियादेस के साथ मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान के साथ भी मुलाकात की, द्विपक्षीय बातचीत की और इसका मतलब था सीधे तौर पर तुर्की को संदेश देना क्योंकि साइप्रस और आर्मेनिया तुर्की के दो पड़ोसी देश हैं और ये दोनों ही देश तुर्की के ऊपर मानवाधिकार उल्लंघनों का, अपने नागरिकों के हत्या का और तमाम तरीके के आरोप लगाते रहे हैं और ऐसा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अगर हमारे बीच में बात करने की या टांग अड़ाने की कोशिश करोगे तो आपके जो जख्म हैं हम उनको भी कुरेद सकते हैं और दुनिया के सामने उनको ला सकते हैं। साइप्रस और आर्मेनिया तुर्की के बहुत ज़्यादा नज़दीक में हैं और इनके साथ तुर्की का बहुत बड़ा विवाद इतिहास के 1974 से चल रहा है। तो निश्चित तौर पर इस बात का संकेत प्रधानमंत्री ने दे दिया है कि भारत किसी भी देश के साथ कोई नरमी नहीं बरतेगा अगर वो भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा। तो निश्चित तौर पर अब तुर्की को भी समझ में आ जाएगा कि तुर्की अगर ऐसा कुछ करता है, वैसे तुर्की भारत का पुराना सहयोगी रहा है जब मार्शल टिटो नासिर के साथ नेहरू की तिकड़ी थी, लेकिन अब तुर्की की जो स्थिति है वो एक इस्लामिक कंट्री के तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में उतरा हुआ है, तो इसका जवाब भी भारत के प्रधानमंत्री ने दे दिया। चीन ने जो कोशिश की उसका जवाब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने दिया है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दे दिया है भारत के रक्षा मंत्री ने। निश्चित तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब तो आज 6 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद भी मिल गया होगा कि भारत किसी भी तौर पर पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत।